नमस्कार, जय हो। काफी अच्छा था, नॉट बैड। नमस्कार, जय हो। और आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर शाम की शुरुआत हमारी प्रार्थना से होती है, तो आज भी प्रार्थना से होगी। तो सबसे पहले मैं आप सबका जय हो पंडित जसराज 50th पंडित मोतीराम पंडित मणिराम संगीत समारोह में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, पूरे समस्त परिवार की तरफ से, पूरे मेवाती घराने की तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं। आज की जो प्रार्थना की शुरुआत है वो कृषा मेहरा कर रही हैं और साथ ही उनके गुरु हैं अंकिता जोशी और हारमोनियम पे है अभिनय रवंदे। जय हो। जय हो। प्लीज ब्लेस हर। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। इसने खुद कहा कि मुझे हैदराबाद में प्रेयर गाना है, तो मैंने कहा कि ठीक है, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। इसने खुद से कहा और खुद इसने अपना अंकिता के साथ रियाज करके, अंकिता थैंक यू सो मच, अंकिता को बहुत बहुत जोरदार तालियां। शी सच अ गुड गुरु फॉर ऑल द किड्स, बहुत अच्छी सिखाती है अंकिता जोशी। प्लीज एक मिनट स्टेज पे आओ। और अवनी कहाँ है? मस्ट बी क्राइंग समवेयर। वेर आर यू? वेर इज शी? प्लीज कम अप ऑन स्टेज। कम 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 कम, जस्ट क्विकली कम, डोंट टेक टू मच टाइम, कम। अंकिता के लिए जोरदार तालियां। अवनी कम क्विक।
कौन सा राग था? नामना कर चतुर राग क्या? राग आड़ो भूप भूपाली ऐसे ही आ जाओ, चलेगा, जल्दी आओ। Avni, as you know, is my daughter and Krisha is my granddaughter. के सामने नहीं गए, वो ऐसी गुनगुनाती रहती है नॉन, सो क्यूट। सो दैट्स आवर लिटिल प्रिंसेस कृषा मेहरा। और दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं माँ, प्लीज कम ऑन दीप प्रज्वलन करने। आनंद प्लीज, एकता, रतन भैया दीप प्रज्वलन करने चले। अच्छा, मैं और एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि वी फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव ओपन्ड अप केटरिंग सर्विसेज, बट प्लीज डोंट ब्रिंग फूड इनसाइड दिस परफॉर्मिंग एरिया, एंड दैट्स अ लॉ, दैट्स अ रूल। आई सॉ मेनी पीपल हैप्पीली गेटिंग फूड, नॉट अलाउड। इस जगह की गरिमा रखिए, आप पीछे जाके खाइए, आप कहीं और कोने में जाके खाइए, डू नॉट ब्रिंग फूड हियर, इट्स नॉट appreciated. Nobody means nobody. बच्चे हैं, आप बच्चों को बाहर लेके जाइए. Is that understood? It's not चाय कॉफी भी नहीं। पीछे वाले आप लोगों से भी मैं बात कर रही हूँ और सामने वालों से भी बात कर रही हूँ, यहाँ पे खाना पीना अलाउड नहीं है। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच। और दीप प्रज्वलन तो हो चुका है, और मैंने जब पूछा इज दिस अंडरस्टूड, किसी ने हा ना का जवाब नहीं दिया। आई वॉन्ट अ वेरी वेरी फर्म येस, थैंक यू। और मैं अब जो कलाकार को मंच पे बुलाना चाह रही हूँ, उर्मी जी, thank you so much, thank you very much. Where are you going? Why you didn't come on stage when I called you?
such a pleasure to be here. Thank you. Good to see you. She's had to prepare. Oh, so nice, so nice. Mm. Yeah, he's playing tabla since your age. When he was so small, he used to play tabla on stage. Nice. Yeah. So nice to see you, Babu. See you. Bye. See you. Bye. After everybody exam, then we'll say, okay? What did Chunky Master say? Chunky Master again has to sit with me. Very good. Okay. I take this opportunity to thank Government of Telangana, HMDA. Please give them a very, very big hand for this support. Without this, their support, this seriously would not have been possible. और आप लोग बोलते हैं काई को नहीं आए, हम लोग इतना वेट कर रहे हैं हैदराबाद में नवंबर एंड में, हम कुछ नहीं करते, वेट करते. लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया, इसलिए ये ईश्वर की दया से, बापूजी के आशीर्वाद से एंड तेलंगाना गवर्नमेंट एंड एचएमडीए के सकारात्मक सपोर्ट की वजह से ये हो सका. प्लीज गिव दम अ वेरी 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 बिग हैंड. I also want to thank NMDC. Please give them a big hand. इसको big कहते हैं आप लोग. This is not even micro, mini. I want to thank Malabar Gold and Indian Oil. Please give them a big, big hand. Also take this opportunity to thank ITC and SBI. Thank you very much for your support. Give them a big hand. And now, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि माई गॉड, आई वॉज थिंकिंग एक हफ्ते का फेस्टिवल है एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक माई गॉड, यू नो, शुरू होगा एंड कब शुरू होगा और कैसे चलेगा. वी आर ऑलरेडी इन द फिफ्थ डे. कैन यू इमेजिन? इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक ओ गॉड, नाउ आई एम ऑलरेडी गेटिंग द पैंग्स कि अभी क्या होगा. आई जस्ट वॉन्ट टू हाईलाइट वन मोर थिंग, दैट ऑन द सेवेंथ डे, दैट इज द 30th of November, आर यू ऑल कमिंग? पक्का? आप लोगों को पता है क्या होने वाला है? यस. किसको पता है? किसको पता है? हाथ ऊपर करिए जिसको पता है. आपको पता है? क्या पता है आपको? बताइए. हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही. क्या बात है, क्या आवाज पाई आपने. हाँ, पंडित जी का प्रोग्राम, क्या बात है, इनके लिए जोरदार तालियां. तो पंडित जी का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन पंडित जी का प्रोग्राम आप लोगों ने लास्ट ईयर देखा था, बापू जी का प्रोग्राम देखा था, अच्छा लगा था, अलग था ना? यस यस, किसने कहा वहां से? तो पहले साल हमने जब किया 2020 में, तो कुछ अलग किया था. वेर क्लासिकल म्यूजिक को हमने प्रेजेंट किया था 12 म्यूजिशियंस के साथ लाइव. आपको आइडिया पता है व्हाई दिस इज स्टार्टेड? क्योंकि 30 नवंबर को 47 इयर्स कॉन्जिक्यूटिवली, एक साल भी उन्होंने मिस नहीं किया, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ और कमिटमेंट भी किसी ने बुला लिया हो, तब भी उन्होंने अपनी 30 नवंबर की तारीख आप लोगों के लिए हमेशा रखी, क्योंकि वो आपके पास आते और आपका आशीर्वाद चाहते हैं. जय हो. और ये आशीर्वाद तो वो अब भी चाहते हैं. सच कह रही हूँ, अगर मैं अपने पिता को जानती हूँ, अगर मैं बापूजी को जानती हूँ, तो आज भी ये सोच रहे होंगे कि हैदराबाद मुझे आशीर्वाद दे दे तो मैं धन्य हो जाऊंगा. इसलिए आप लोग बहुत बड़ी तादाद में आइए,
पिछले साल हमने जब किया तो अबाउट 20 म्यूजिशियंस वर देयर विद हिम, और हम लोगों ने उनके संगीत से उनके जो अलग अलग जॉनर्स की जो एक खुशबू उनके गायन में जो दिखती है, जैसे कभी ध्रुपद, कभी फोक म्यूजिक, कभी कुछ, तो वो आप लोगों को आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की। आप लोगों को मजा आया था ना? तो इस साल हम लोग कुछ और कर रहे हैं। हम लोग अब की बार बापू जी की परफॉर्मेंस को ऑलमोस्ट 40 म्यूजिशियंस के साथ एक सिंफोनिक प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और ये 40 odd म्यूजिशियंस आर ऑल फ्लाइंग डाउन, बहुत रिहर्सल्स हो रही है, बहुत काम चल रहा है, क्योंकि एक पूरी अलग थॉट प्रोसेस को लेके बापूजी की बंदिशें, बापूजी की वॉइस के साथ देयर विल बी मेनी परफॉर्मेंस हियर इंक्लूडिंग मेनी ऑफ हिज स्टूडेंट्स, संजीव अभ्यंकर, रतन मोहन शर्मा, अंकिता जोशी, शशांक सुब्रमण्यम, लोकेश आनंद, स्वर शर्मा, मधुश्री नारायण, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी, इफ आई मिस्ड आउट एनीबडी, दे विल बी देयर। इन द स्ट्रिंग सेक्शन वी हैव द फैबुलस फैबुलस अभिषेक बोरकर, चिराग कट्टी ऑन सरोद एंड सितार, फ्लूट ऑफकोर्स शशांक सुब्रमण्यम, शहनाई लोकेश आनंद, तबले पे अजिंक्य जोशी, मृदंगम पे श्रीधर पार्थ सारथी, पखावज पे सुखद मुंडे, साइड रिदम पे सूर्यकांत सुरवे। उसके बाद वी हैव अ होल सेक्शन ऑफ वायलिन, वी हैव वियोलास एंड वी हैव चेलोज। इट इज अ वेरी वेरी म्यूजिकल, आई होप इट इज एंटरटेनिंग, बट आई कैन अश्योर यू इट इज एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल द वे बापूजी वुड लाइक इट। आप लोग आएंगे, बापूजी को प्यार और आशीर्वाद देंगे, बिकॉज इस साल आप लोगों के आशीर्वाद से बापूजी का ये कॉन्सेक्यूटिव 50th परफॉर्मेंस होगा, हिज गोल्डन जुबली, यू ऑल मस्ट कम फॉर हिम। जिस कलाकार ने आप लोगों को इतना पूरा दिल से प्यार दिया, उनके लिए आपको इस 50वें साल में टू सेलिब्रेट हिज गोल्डन जुबली, आप लोगों को सबको यहाँ रहना जरूरी है। ये ऐतिहासिक है, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। हर कोई कहता पंडित जी इज इमॉर्टल, पंडित जी का म्यूजिक इमॉर्टल है, तो मैंने कहा कि ठीक है, ये बात अगर सच है देन इट बिकम्स our responsibility to keep his music alive, and if you have to keep his music alive, it has to be live on this stage. This is his stage, this is his samaroh, this is what he has lived for, and only it can be complete. ye sirf pura ho sakta hai agar aap log aayenge, aap logo ka aashirwad aur aapka pyar milega to bapu ji khush honge, ye main janti hu, aur wo aaj bhi aap logo se ummeed karte hain। हैदराबाद मुझे प्यार से आशीर्वाद दिए, जय हो। तो अब मंच पे साज आ गए हैं, एंड मे आई कॉल अपॉन द म्यूजिशियंस इफ दे आर रेडी, प्लीज समबडी टेल मी इफ दे आर रेडी टू कम ऑन स्टेज। मेनी पीपल क्रिटिसाइज मी दैट आई टॉक टू मच ऑन स्टेज, बट डू यू इवन नो व्हाट हैपेंस बैक स्टेज? इफ आई लीव द स्टेज यू विल ऑल गो होम बिकॉज योर मोबाइल विल टेक यू होम। I get very badly criticized, trolled, unnecessarily. नहीं, maybe necessarily. कितना बात करते उन्हों, इतना showmanship करते, showmanship करते, इतना dedication दिखाओ तो यार music के लिए, करके तो दिखाओ, मर के तो दिखाओ। मेरा दिल बहुत दुखा, किसी का मैंने पढ़ा आज, some अश्विन बोले दुर्गा जसराज आप शोमैनशिप मत करिए। एक दिन मैंने रतन भैया को बोला, रतन भैया मैं मर गई ये समारोह करते करते। रतन भैया ने बोला मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती, तो अगर तुम मर रही हो इसीलिए तुम्हें जन्नत इस स्टेज पे मिलती है। ये रतन भैया के वर्ड्स आई कैन नेवर फॉरगेट, प्लीज गिव अ बिग हैंड टू रतन भैया।
रतन मोहन शर्मा जी, उसको भी क्रिटिसाइज किया इस महान आत्मा ने, कोई अश्विन है. एंड आई एम थैंक यू, मैं तब से वेट कर रही हूँ कोई आर्टिस्ट मुझे बता तो दे कि कोई रेडी है कि नहीं. ये लोग रेडी नहीं होते आधा टाइम फुर्सत में. क्लैप तो आपसे करवा ही लूंगा. मैं कहा मैं खुद आ जाता हूँ और खुद का इंट्रोडक्शन खुद से हो जाएगा. जय हो. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द माएस्ट्रो राजकुमार रामकुमार मिश्रा जी. अरे क्या बात. जय हो. जय हो. और इस कलाकार के बारे में क्या कहूँ, ऐसी मुरीद हूँ इनके बजाने पे, इनकी सोच पे, द पर्सन दैट ही इज. थैंक यू फॉर द ग्रैमी. थैंक यू, यू गिव इट टू इंडिया. एब्सोल्युटली द लेजेंड पद्म भूषण पंडित विष्णु मोहन भट्ट जी. हाँ, आप लोग जो खड़े हुए हैं बहुत तमीजदार है, आपके लिए मैं ताली बजाऊंगी. थैंक यू, वेल डन, स्पेशली फॉर यू, वेल डन. ऐसी तहजीब होनी चाहिए हमारी भारत की, वो बहुत धरोहर है. और ये है यंग वेरी यंग एक्सट्रीमली टैलेंटेड ग्रैंडसन ऑफ पंडित जी. और आप लोग याद रखेंगे कि हमने सबसे पहले उसको जय हो पंडित जसराज के 50वें पंडित मोतीराम पंडित मणिराम संगीत समारोह में हैदराबाद में सुना. एंड वेलकम टू समारोह. एंड आई एम श्योर आप लगातार आते रहेंगे. अथर्व भट्ट. और पंडित जी का जब पहले क्लासिकल म्यूजिक का परफॉर्मेंस हो जाएगा, उसके बाद हमारे राजस्थान के रंगीले जोशीले एब्सोल्युटली पावर हाउस परफॉर्मर अनवर खान मांगनियार, पद्मश्री अनवर खान मांगनियार विथ हिज ग्रुप विल जॉइन हिम. सो गिव अ वेरी बिग हैंड टू पद्मश्री माएस्ट्रो अनवर खान मांगनियार. मैं अरविंद जी से फिर से एक बार अनुरोध करूंगी कि कलाकारों का यहाँ पर वो सम्मान करें. हमारी समारोह की तरफ से, हैदराबाद की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से, HMDA की तरफ से, एंड द म्यूजिक लविंग कम्युनिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से. उर्मी जी, सबसे पहले पंडित जी एक मिनट, हम सबकी तरफ से जस्ट एक जेस्चर ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट. इधर आइए. द ग्रैमी अवार्डी पद्म भूषण पंडित विष्णु मोहन भट्ट जी. द यंग the absolutely melodious rising star of Mohan Veena, Atharva Bhatt. ठीक है. और हमारे अपने इस समारोह के पंडित जसराज परिवार के एक सदस्य मैं कहूंगी, और बापूजी के सांगीतिक जीवन के भी एक सदस्य, the maestro पंडित राम कुमार मिश्रा जी. थैंक यू सो मच अरविंद जी, थैंक यू वेरी वेरी मच. मैं एक
आप लोगों को मेरा सादर अभिवादन। इतना भव्य आयोजन अगर कोई कर सकता है, किसी में इतनी शक्ति है, तो दुर्गा जी में ही। कितने ही कार्यक्रम, कितने ही प्रोग्राम, कितने ही तरह के कॉन्सेप्ट, चाहे तिरंगा हो, चाहे पंचतत्व हो, चाहे कुछ भी हो, इतने कार्यक्रम आपने करवाए हैं। मतलब एक भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो प्रचार एवं प्रसार अगर किसी ने बहुत ही उच्च स्तर पर किया है, तो उनमें एक नाम सबसे ऊपर आता है, दुर्गा जी का। महान कलाकार की बेटी, और इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो अपने आप में कहीं कम नहीं है। हम लोग तो एक निमित्त मात्र हैं, अब थोड़ी देर आपके समक्ष रहते हैं, अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करके चले जाते हैं, लेकिन ये प्रस्तुतिकरण का अवसर प्रदान किसने किया वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो उनमें से मैं इसलिए इनको अप्रिशिएट करता हूँ, दुर्गा जी को, कि इनकी जो शिद्दत है और जो एक लगन है और जो डेडिकेशन है कि क्लासिकल म्यूज़िक को किस तरह से संभाल के रखना और आप तक पहुँचाना, ये इनका काम है। एक ज़ोरदार ताली इनको आप दे दीजिए। पंडित जी के बाद दे दीजिए रानी जी, उसी मॉनिटर अभी करेंगे बाद में। अच्छा पीए भी करें बैलेंस, पीए पीए पंडित जी के बात करें।
हेलो नमस्कार, मेरी हाजिरी शुरू होती है राग जोग से। आशीर्वाद प्रदान करें, धन्यवाद।
Thank you.
सॉरी, थोड़ा साउंड की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मैं, माफ़ कीजिएगा। अथर्व को आशीर्वाद दे दीजिए। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ पद्मश्री अनवर खान जी मागणियार साहब को और उनके साथी कलाकार, राजस्थान की मिट्टी, जैसलमेर की मिट्टी, उसकी खुशबू आपको वो यहाँ पर दिखाई सुनाई देंगे। हेलो
हेलो जी, हेलो 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 हारमोनियम पर अनवर जी के पुत्र रोशन, गाजी खान जी के पुत्र सवाई, खरताल पर और फिरोज जी ढोलक पर। और आपको मालूम ही है कि पहला क्या होगा, केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश।
सभी गुरुजनों से इजाजत। Thank you.
साजन रे जन्म में
अगला राग देश पर आधारित है, झिरमिर बरसे में।
Oh,
लज बोदक लैंगा सोवे झुमक सारी मोरे मन बसिया झुमक सारी मोरे मन बसिया रे शुक्रिया, आपने स्टैंडिंग ओवेशन दिया उसके लिए। क्या इसको मैं इंडिकेशन मानूं कि ये प्रोग्राम एंड हो गया यहाँ पे? एक हमारा बहुत ही अच्छा एक भजन है, रामदेवरा जी का भजन, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हेलो मारो सुनो रामा पीर, thank you।
दुर्गा जी, आप एक बात कहना चाहता हूँ, गुस्ताखी माफ हो। हैदराबाद में बहुत सारे प्रोग्राम हुए, बहुत, लेकिन ऐसी ऑडियंस नहीं मिली अभी तक। इसका श्रेय जाता है दुर्गा जी को और हमारे पूज्यनीय पंडित जसराज जी और उनके पूरे खानदान। क्या लोग, क्या संगीत, क्या क्या दुनिया को दिखा के चले गए, क्या रास्ते दिखा गए, सब लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं हम लोग। एक सच्चा ट्रिब्यूट और इतने बड़े पैमाने पर 50वां, इसके लिए जोरदार आपको शुभकामनाएं और तालियां। हमारे जैसलमेर में एक मंदिर है, रामदेवरा जी का मंदिर, बड़ा फेमस मंदिर है, बड़ा मेला लगता है वहाँ, लाखों लोग आते हैं। उसका एक भजन है, हेलो मारो सुनो। हेलो मतलब मेरी आवाज़, आजकल हेलो बोलते हैं उसको, वही है ये वाला हेलो। हेलो मारो सुनो रामा पीर। देखिए क्या रिदम है उसकी और क्या भावना है और क्या बुलंद आवाज़ अनवर जी की इसमें लगती है। बागेश्वरी पर थोड़ा थोड़ा आधारित है। शुरू में थोड़ा सा मैं आपको 2-3 मिनट का एक आलाप बागेश्वरी का मूड बना के, ताकि इनको जरा सुर मिल जाए, फिर उसके बाद में शुरू करेंगे। धन्यवाद।
ओ जी मा
मारो भेलो हो जी मार अर्जी सुनो राम पी हीर साओ भेलो सुनो नी राम हीर सा
जय हो। ओहो, स्टेज को पूरा जगा दिया। ऐसा लग रहा है कि एक एक रोम रोम जागा हुआ है, संगीतमय हुआ हुआ है। राइट नाउ इट्स इंडियाज करेंसी वुड हैव बीन नंबर वन इन द वर्ल्ड, देयर इज नो डाउट। मैं सच्ची ये सोचती हूँ कि हमारे जितना म्यूजिकली समृद्ध, द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्री इन द होल वर्ल्ड म्यूजिकली इज आवर ग्रेट नेशन। भारत माता की जय। और आप लोग, ऑफ कोर्स पंडित जी की बात तो क्या कहूं कि पंडित जी जितना क्लासिकल में अथर्व को लेके आगे बढ़ रहे थे, उतने ही आप आज आप गाइड, मेंटोर, गुरु के रूप में बैठे हुए थे मंच पे, सबको एक साथ बांध के। इट इज नॉट इजी कि जोक खत्म हुआ, फिर केसरिया बालम में जाके जो काम किया, जो जिस तरह से वो उसको सींच रहे थे इन सबको एक साथ, इट इज रियली अ मास्टर क्लास वी अटेंडेड टुडे। रियली द वन एंड ओनली, द लिविंग लेजेंड पद्म भूषण पंडित विश्वमोहन भट्ट जी, अमेजिंग। आपने जो काम किया, जो सटल किया, कभी सामने से किया, कभी पीछे से, और मैं इसकी, जिसको समझ में आया वो धन्य है, और नहीं समझ में आया तो वापस एक बार सुन लीजिए। इट्स देयर ऑन यूट्यूब, आर्ट एंड आर्टिस्ट यूट्यूब। इट वॉज इनक्रेडिबल। और मैं संजीव, रतन भैया, अनु आ जाओ, आनंद सॉरी, आप लोग आ जाइए मंच पे, कलाकार, क्योंकि इनका अभी तक ये नहीं हुआ है। हम छोटी सी एक शॉल देते हैं और तो कुछ नहीं। और पंडित जी आप कुछ कह रहे थे, कह दीजिए तब तक। मैं आपके सामने निशब्द हूँ। आपने इतनी अच्छी बात कही कि हमारा जो संगीत है बहुत ही समृद्ध है, चाहे वो कहीं से भी हो जी। कहीं से भी हो, किसी भी प्रांत से हो, सब में एक एक अलग ही खुशबू है। और क्लासिकल बेस्ड, अगर जैसे ये राजस्थानी जो इन्होंने गाया, मैं समझता हूँ कि ऐसा लग रहा था कि कोई क्लासिकल सिंगर ही ताना ले रहा है। और क्या बात, इंट्रिकेट जो चीज़ें होती हैं, राग रागनी, वो सब इसमें शामिल है, पहले से ही शामिल है। तो फोक और क्लासिकल बहुत कुछ अलग चीज़ नहीं दिखती है ऐसा, ये सब एक ही हैं, हम सब लोग एक हैं। और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने और हम सब लोगों को ये अवसर प्रदान किया कि हम थोड़ा बहुत अपना जी, इट कुड हैव बीन बेटर, मुझे मालूम है, नहीं नहीं, थोड़ा बहुत साउंड साउंड वगैरह को नहीं, साउंड क्या गजब, साउंड के लिए बहुत जोरदार तालियां, कमाल का साउंड था, बहुत बढ़िया साउंड, इतना जबरदस्त था कि यहाँ पे वो हमको इको सुनाई दे रहा था बहुत अच्छा। मैं एक बात कहूंगी कि आप पद्मश्री अनवर खान मांगनियार लास्ट ईयर आए थे, बापू जी के परफॉर्मेंस में उन्होंने परफॉर्म किया। मैं लिटरली कहूंगी कि हैदराबाद में सब हैदराबादी संगीत प्रेमियों के दिलों में आप आज इन दिनों में राज कर रहे हैं। मैं सच कह रही हूं, मुझे कितने लोगों ने पूछा अनवर खान मांगनियार आ रहे, अनवर खान मांगनियार आ रहे, मैंने कहा हाँ जी आ रहे। जोरदार, व्हाट अ पावर हाउस परफॉर्मर, सो आप हमारी देश की शान हो, पद्मश्री अनवर खान मांगनियार, जय हो। चलिए वो कहाँ है, आइए, आप आएंगे, क्योंकि पंडित जी आप भी आइए सामने, एक फोटो भी अच्छी लगेगी सबके साथ। अथर्व आप भी आ जाओ आगे, एक मिनट खड़े होने के लिए। और एक मिनट रुक जाइए, आर्टिस्टों की हौसला अफजाई हो जाए, उनको हम शॉल देंगे क्योंकि ये अभी आए हैं। सबसे पहले हमारे राजस्थान की एक प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे पंडित रतन मोहन शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि आप आइए। हमारे अनवर खान मांगनियार जी को
हमारे सब की तरफ से, कौन सा वाला शॉल है ये, हम सब की तरफ से बहुत, इनका हो चुका है बहुत, सब की तरफ से बहुत एक प्रेम की छोटी सी भेंट पूरे हैदराबाद की तरफ से। जय हो पंडित जसराज, 50वां पंडित मोतीराम पंडित मणिराम संगीत समारोह में आपने शिरकत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं संजीव से कहूंगी कि ढोलक पर जो एकदम तगड़ी थाप दे रहे थे फिरोज खान, उनको शॉल से हमारी तरफ से प्रेम का एक चिन्ह, बहुत जोरदार तालियां। और आनंद शर्मा जी से कहूंगी कि करताल पे जो सवाई खान, अरे वाह क्या बात है, करताल की तो बात ही और है, इसकी ताली और है। और हमारे राम कुमार भाई से कहूंगी कि रोशन खान जी को, रोशन खान जी को बहुत 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 बढ़िया बजाई दीजिए, लोगों के लिए एक स्पेशल हो जाए। अभी जो साउंड मैं ले रहा हूं, आप बजाओ। जो साउंड मैं खड़ताल में निकालूंगा वही साउंड आप सब लोगों को मुझे फॉलो करना और ताली में निकालना। रेडी है सब लोग? रेडी कैसे सब लोग? इनको जोरदार तालियां हम बाद में देंगे, बट डोंट फॉरगेट टू बी हियर टुमारो एट 7:30, वी विल बी द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इज भुवनेश कोमकाली। आप लोग जानते हैं वो कौन है? आप जानते हैं, ही इज द ग्रैंडसन ऑफ द वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स ऑफ ऑल टाइम, पंडित कुमार गंधर्व जी के वो ग्रैंडसन है। एंड गिव हिम अ वेरी बिग हैंड, पंडित कुमार गंधर्व जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। और एक और उसके बाद भजन सम्राट माइस्ट्रो अनूप जलोटा जी। अरे वाह जी वाह, क्या बात है, राजस्थान का कसीदा हाथ से बना हुआ। ओ माय गॉड, जैसलमेर। थैंक यू पंडित विश्वमोहन भट्ट जी, अथर्व भट्ट। थैंक यू पंडित विश्वमोहन भट्ट जी, अथर्व भट्ट, अनवर खान मांगनियार, फिरोज खान, रोशन खान, सवाई खान, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। राम कुमार मिश्रा जी, आ इनको क्या मैं शुक्रिया अदा करूँ, इनका तो घर है। जोरदार तालियां फ्रॉम फ्रॉम झाला टू ठेका लाइक दिस, खैर गजब, आज तो मतलब आप पहुंच गए थे। बहुत जोरदार तालियां राम कुमार मिश्रा जी के लिए। थैंक यू ऑल हैदराबाद, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आप लोग इतना कमाल का सुनते हैं, हमको होश ही नहीं रहता पूरी इंडिया में इतना लेट कहीं नहीं प्रोग्राम होता है। जय हो, जय हो, जय हो।